यही एक काम है कि जहाँ भी कुछ सही बात करी है वो भाग जाते हैं। तो जनता सवाल कर रही है कि 10 साल पहले हमने आपको वोट दिया, नारायणपुर पश्चिम टोला के लोगों ने कहा कि हम नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, ना नाला बना ना रोड बना, तो फिर किस मुद्दे पर आप वोट मांगने आ गए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान TV। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के नौतन प्रखंड के गंभीरपुर पंचायत के नारायणपुर, यह गाँव है, और गंभीरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नमुद्दीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि फिर से ये इस बार चुनाव में मुखिया के प्रत्याशी हैं, तो कैसे इनका चुनाव प्रचार चल रहा है और किस रणनीति के साथ ये फिर इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीरपुर पंचायत की तरफ से, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे पंचायत वासियों को, यहाँ के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं। इस बार फिर से आप मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव एक तो ये कोई MP MLA का चुनाव नहीं है जी, ये गांव का चुनाव है। जिनको जीतना है वो भी इसी गांव पंचायत के हैं, जिनको वोट देना है वो भी इसी पंचायत। तो हम चुनावी मैदान में हैं। 10 साल से जिन्होंने यहाँ मुखिया के पद पर यासीन रहे, खुद भी रहे, उनकी पत्नी भी रही है, तो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण विकास हुआ। कहीं कुछ काम हुआ है, हम पूरे पंचायत में घूम रहे हैं, 67 मजदूरों ने कहा कि 15, 20, 25, 45, 35 दिनों की दिहाड़ी उनकी मजदूरी बाकी है, जो मनरेगा का मजदूरी, है। 196 लोग मरे हैं पिछले 5 सालों में, 10 सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो करंट उनका 5वां फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, उसमें मात्र 23 लोगों को कभी अंत्येष्टि का पैसा मिला है, वो कफन के पैसे का भी घोटाला हुआ, कफन घोटाला भी हो गया, बिल्कुल 4,40,000 रुपया का उन्होंने सैनिटाइजर बांटा है, 2,20,000 का उन्होंने मास्क बांटा है। पंचायत में आप घूम के पता करिए, हमने तो घूम के पता किया है, बहुत कम लोगों को उन्होंने 75% कहा कि लोगों को शौचालय बना है, आज भी लोग खेतों में सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो गरीब हैं, जिन्होंने उनको मुखिया बना के ब्लॉक तक भेजवाया, सत्ता में भेजने का काम किया। उनकी बहन बेटी आज भी रोड पर घूम रही है, बैठ रही है, खुले में शौच कर रही है, और ODF घोषित हो गया। तो बहुत सारे लोग इंग्लिश नाम है नहीं जानते गांव में, ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया जी। तो उन्होंने कहा कि खुले में शौच से हमारा पंचायत मुक्त है, तो फिर लेकिन रोड पर बैठ रहे हैं उसका क्या होगा? स्वच्छाग्रही है करीब 1 दर्जन लोग, तो शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत एक तरह से टाइट फिटिंग काम किया कि आप नहीं बैठ सकते। तो हम कह रहे हैं कि उनको जो APL BPL का कोई मतलब नहीं था, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत सबको बनवाना था, उसमें पूरे तरह से ये पंचायत फेल है। हाँ, उसमें तो कोई जाति धर्म, नहीं था, ना APL था, ना BPL था, सबको बनवाना था। तो ये अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, गौण जाति के, इन लोगों को भी नहीं बना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वार्ड में आप जाएंगे, नहीं बना है, बिल्कुल एक तरह से अछूता तो रहा है। बहुत सारे जगहों पे देखा गया कि हृदयानंद तिवारी के दरवाजे से जोखन कम करके दरवाजे तक 5,10,000 का नाला बना है, वो जमीन पे नहीं। ऐसे बहुत दर्जनों जगह पे आप जाएंगे, सीताराम गंभीरपुर में सीताराम हरिजन के दरवाजे से अनिल पाठक के दरवाजे तक नाला बना है, लेकिन नहीं है, धरातल तो जमीन का पे काम नहीं है, कागजी काम है। और पूरी तरह से 10 सालों में तो गंभीरपुर पंचायत का ये जो नारायणपुर गांव है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ एकाध जगहों पे काम हुआ है, लेकिन गंभीरपुर का जो मौजा है, पूरा जो मेन गांव है, उसके निकलने की हरदेव माझी के बथान से होके हसुआ जाना है या सिवान जाना है, वो रास्ता 10 साल पहले हमने फेंकवाया था, वही है। रविंद्रलाल श्रीवास्तव हैं, एक शिक्षक हैं,
उनके भाई डॉक्टर हैं राघवेंद्र लाल श्रीवास्तव, उनके बछान से होके हसुआ जाना है, वो रास्ता अभी भी बाकी है। तो मैं कह रहा हूँ कि गांव में जो विकास की बातें हो रही हैं, पिछले 15 सालों में जितने पैसे नहीं आए वो 5 सालों में आए हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका लूट खसोट बंदरबांट हुआ है पूरी तरह से, और जनता पूरी तरह से इसको देख रही है। आज तो नेट का ज़माना है, पूरी तरह से एस्टिमेट बनाएंगे, आपको ऑनलाइन रहना है, तो लोगों ने निकाला है और देखा है कि काम नहीं हुआ है, पैसे उठा लिए गए हैं, जो भी काम हुआ है उस पर मान लीजिए कि आप पेपर ब्लॉक बिछा रहे हैं तो उस पर आपको बुलडोजर चलवाना है या प्रेशर से माटी को दबवाना है, वो नहीं हुआ है। आज जाके देखिए उसकी पूरी हालात ख़राब है, उस पर बड़ी गाड़ियाँ आए तो वो एक तरह से 2 नंबर ईंट है, पूरी तरह से फ्लॉप है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे जो शौचालय का भी घोटाला हुआ है, कफन का भी घोटाला हुआ है, जो नाला बना है कागज पे बना है धरातल पे, रोड भी है जी। आप जिस वार्ड में गए थे, एक बाली चौधरी के दरवाजे से परमनाथ भगत के दरवाजे तक 5,59,000 का PCC बना है, लेकिन आप तो ब्रिक्स होलिंग देख के आए। तो इस तरह से उन्होंने एक बाइट दिया था ATN न्यूज को कि नईमुद्दीन अंसारी उनके दरवाजे पर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नईमुद्दीन अंसारी नहीं बनने दे रहे हैं। बंटी साहब ने पूछा तो आप मुखिया हैं, आपने आपके एनुअल एक्शन प्लान में जो वार्षिक कार्यकारी योजना होती है उसमें आपने लिया नहीं, उसमें ईंट बिछवाया नहीं, तो विकास आपको करना है, CEO BDO के यहाँ आप जाते हैं, फंड आपके पास आते हैं, हमने नहीं बनने दिया। बल्कि एक तरफ से वो खड़े हैं और उसको नहीं बनवा रहे हैं, वो रास्ता अवरुद्ध था, 6 महीनों तक हमने उसको खुलवाया, माननीय विधायक सत्यदेव राम के फंड से 1996 में बना, और जानबूझ के नहीं बनवा रहे हैं, जिससे जनता को काफ़ी तकलीफ है, उनके पास भी जाने के लिए लोगों को काफ़ी मुसीबतें करनी उठानी पड़ रही हैं। मान लीजिए कि आ रहे हैं लोग आपको शास्त्री मोड़ से, वो रास्ता भी ख़राब है, तो आप कह रहे हैं कि वो सिमरिया में है, तो जो आपके पंचायत में है आपको बनवाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि विकास की कोई इच्छा शक्ति उनमें नहीं, जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ सरपंच के कैंडिडेट हैं अच्छेलाल कुशवाहा की पत्नी सुरसती देवी, इनके टोला में गंभीरपुर गोंड लोगों का गाज वाला रास्ता जो है आता है, तो एक मास्टर साहब ब्रजनंदन सिंह, उन्होंने कहा कि हमारा प्राइवेट ज़मीन है तो इसमें से मिट्टी मट काटिए, ट्रॉली से गिरवा दीजिए। उन्होंने कहा कि लोग रोक रहे हैं नहीं बनवा, तो यही एक काम है कि जहाँ भी कुछ सही बात करिए वो भाग जाते हैं। तो जनता सवाल कर रही है कि 10 साल पहले हमने आपको वोट दिया, नारायणपुर पश्चिम टोला के लोगों ने कहा कि हम नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं, ना नाला बना ना रोड बना, तो फिर किस मुद्दे पर आप वोट मांगने आ गए? इस तरह से पूरे पंचायत के लोगों ने उनसे पूछा कि हमने बदलाव किया, राशन नहीं मिल रहा है, राशन में कटौती है, ना देने का रेट है, ना डेट है, ना वेट है, पूरी तरह से उसमें आप नहीं बोलेंगे तो मुखिया किस लिए बनाएगा? विकास के लिए? पासपोर्ट की इंक्वायरी उनसे नहीं होगी, ग्राम सेवक नहीं मिलते हैं, JEE से मुलाकात नहीं होती है, तो लोगों ने एक तरह से पूरी तौर से ये ठाना है कि गांव के विकास के लिए, और गांव में जब कहीं किसी से आपसी मतभेद विभेद झगड़े होते हैं तो एक मुखिया का काम होता है कि दोनों पक्षों को बिठा कर उनको ही करे, वो सीधा पुलिस में मामला ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से लोगों ने कहा कि हमारा तो काम हो नहीं रहा, पंचायती राज अधिनियम और उस मिशन का जो काम है वो नहीं हुआ, वो जनता से जुड़ी हुई सरकार है, एक नीचे पंचायत सरकार है और ऊपर मुख्यमंत्री है, नीचे मुखिया है, तो ये काम नहीं हुआ, तो लोगों में एक भारी नाराज़गी है और लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो हमेशा कोरोना में कोविड में लोग दुबके रहे, हमारे साथ जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, वो लगे रहे, लोगों को एक तरह से काम में उनको सेवा में, जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको नाश्ता पहुंचाना है, चाय देनी है, उनसे बात करनी है, उनसे मिलनी है, बिना भेदभाव के बिना डर के सारे लोग मिलते रहे और वो दुबके रहे। जिन लोगों को 500 रुपया देना था क्वारंटाइन सेंटर में, उनको उनके पैसे लूट लिए गए, उनको मच्छरदानी नहीं मिली, बाल्टी नहीं मिली, साबुन नहीं मिला, तो पूरी तरह से एक ठेकेदारी प्रथा चला पंचायती राज के भीतर,
और मुखिया नहीं बन के उन्होंने ठेकेदारी किया है और ठेकेदारी से पैसा कमाया है। अभी हम इधर गए थे खड़ंजा जो है करण पकड़ के, तो लोगों ने बताया कि उस साइड पे मतलब एक रास्ता है, उसी की मैं बात कर रहा था आपसे। ब्रिजनंदन सिंह शिक्षक हैं जी जी, तो वो कच्ची सड़क है जी, जो मतलब कुछ दूर नारायणपुर दिख रहा था, मतलब नारायणपुर पूरब टोला के बाबूराम भगत के दरवाजे से पूजन भगत के खेत होते हुए चंद्रिका गोड़ के बथान तक जाती है जी जी। उसमें मास्टर साहब ने कहा कि वो तुम्हारा निजी जमीन है, हम रास्ता नहीं रोक रहे हैं, लेकिन इसमें कैरेज की माटी आप ढो के टाली से भरवा दीजिए। उन्होंने नहीं बनवाया और छोड़ दिया। तो जो कोई सलाह दे रहा है अच्छा सलाह, तो उसको मानना उनका काम होता है, और विकास करवाना, रोड बनवाना, उससे उस टोले के नहीं, बरोहा से लेकर टोला से लेकर हजारों लोगों को नुकसान है जो आते हैं गंभीरपुर बाज़ार करने। गंभीरपुर के लोग, वहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल में बच्चे बच्चियाँ पढ़ने आते हैं, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उनको इस काम से कोई मतलब नहीं। अब फिर चुनाव आया है, 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस बार आप मैदान में हैं, अगर इस बार फिर से आपको जनता चुनती है तो आप क्या क्या प्लानिंग किए हैं जनता के लिए, पंचायत के लिए? देखिए, एक तो पंचायती राज अधिनियम की स्थापना और शिक्षा समिति की स्थापना 1963 में हिंदुस्तान में हुई जी। तो जब कुछ राशन वोशन आने लगे, तब लोगों ने देखा कि शिक्षा समिति भी कोई चीज़ होती है जी। और पंचायती राज में माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आने के बाद उन्होंने कहा कि जो एक पैसा आता है वो डायरेक्ट पंचायतों को दो, ताकि उन गरीबों का विकास हो जो पंचायत में दबे कुचले हैं। तो हम लोगों ने माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा, आपको पता होगा, आप मीडिया के लोग हैं, कि हर हाई स्कूल के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं विधायक, तो हम लोगों ने उस ज़मीन का पेपर बहुत दिनों से कोशिश किया, नहीं मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों को खेल का मैदान उपलब्ध हो, हाई स्कूल में एक बेहतर पढ़ाई का माहौल बने, बच्चों के खेलने के एक मैदान हो। गंभीरपुर जो बड़ी आबादी का गांव है, 8 वार्ड हैं, 4500 वोट है, वहां आधा गांव में बारात टिकाने का कोई जगह नहीं है, तो शहर नहीं है कि आप मैरिज हॉल बुक करेंगे। तो ऐसे समय में कभी छोटा बारात तिलक आता है, नहीं है, हम कोशिश करेंगे, वहां ज़मीन भी है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं था, 10 साल गुजर गए, हम कोशिश करेंगे कि 32 कट्ठा ज़मीन है वहाँ, हम उसको ये करके भरवा के बच्चों के मैदान के लिए, गांव की बारात तिलक टिकने के लिए हम ये काम करेंगे। और आज बच्चों से ज़्यादा बच्चियां ट्रेंड हैं, हम उनके सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण काम के लिए एक कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर और वार्ड स्तर तक हम लोग संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका विकास हो, एक सिलाई सेंटर खोला जाए। तो और भी बहुत सारे काम हैं, मान लीजिए कि सारी गाड़ियां बारात में चली जाती हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फंड आता है वो फंड गांव में दो ही चीज़ों में या शहरों में खर्च होता है पैसा, एक दवाई में, दूसरा पढ़ाई में। तो सरकारी स्कूलों का बेहतर रख रखाव हो, उसमें जितने शिक्षकों के पद हैं वो भरे जाए, और सरकारी स्कूलों में जब पढ़ाई होगी तो जो गरीबों के पैसे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो बंद होंगे। प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज होता है, सरकारी अस्पताल अगर ठीक होंगे, हमारे गांव पंचायत में एक एम्बुलेंस रहती है, तो लोगों की ये परेशानी दूर होगी, जो टेम्पो और गाड़ी ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोगों को जान चली जाती है जो कोविड में हुआ। हम कोशिश करेंगे कि पंचायत में एक एम्बुलेंस हो। ये सारे विकास के मुद्दों को लेकर हम पंचायत में उतरे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि 10 सालों में जो पंचायत पीछे गया है, आपके ज़माने में 5000 रिश्वत में हम लोगों ने एक ग्राम सेवक को जूते का माला पहना के 15 किलोमीटर हम लोगों ने घुमाया, खारिज दाखिल में पैसे के लिए CO से हमने मारामारी किया। तो जो जनप्रतिनिधि जीत के, जनता का हम प्रत्याशी हैं, अगर प्रतिनिधि चुने जाते हैं हम, तो हाजरा खातून हमारी पत्नी है, महिला सीट है, तो प्रतिनिधि चुने जाने के बाद पहला काम होगा कि यहाँ राशन गरीबों को हर हाल में सही वजन और उचित रेट पर हर महीने देना होगा। इंदिरा आवास में 30,000 नहीं लगेगा, खारिज दाखिल में पैसे नहीं लगेंगे,
नौजवानों को हिंदुस्तान और पटना की सरकार नौकरी नहीं दे रही है, विदेशों में जाना है तो पासपोर्ट की इंक्वायरी में थानेदार पैसा नहीं लेगा। ये हमने किया है और पंचायत की जनता ने देखा है कि नईमुद्दीन अंसारी जब थे मुखिया 2001 में, खुद आपको मैरवा 23 पंचायतों का प्रखंड था, तो सिमरिया, मिर्जापुर, गोपालगंज के हथुआ ब्लॉक का पंचायत है, छोटा माझा अभी जीरादेही में है, हसुआ जीरादेही में है, इन चारों पंचायतों के बीच में गंभीरपुर है। हम 18 किलोमीटर से ला के 10 रुपया तेल बिकवाते थे और सारे पंचायतों में 11 रुपया बिकता था। ये फर्क था और फिर ये फर्क दिखने लगेगा लोगों को और लोगों में एक हौसला आएगा। जो ग्राम सेवक, विकास मित्र, BDO, CO या अधिकारी कर्मचारी बात नहीं सुनते हैं, मनमानी ढंग से रिश्वत मांगते हैं, रिश्वतखोरी पर रोक लगेगा और जनता का फ्री में काम होगा। जनप्रतिनिधि का एक काम होता है, ये दायित्व तो मैं निभाऊंगा। हमारी पार्टी के भाकपा माले के ही जिला परिषद हैं समर्थित, पार्टी लेवल पर कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि भीतर से पार्टियां रहती हैं जी। तो हम कह रहे हैं कि विधानसभा भी हम जीते हैं, हम जिला परिषद भी जीते हैं, पंचायत भी हम जीतते हैं, हम तीनों लोग मिल के पंचायतों का बेहतर विकास करेंगे। विधानसभा में जो पंचायत है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है और जनता से हम जा रहे हैं, आरजू मिनती कर रहे हैं। लोगों में एक बदलाव का मूड है और लोग चाह रहे हैं कि विकास हो और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। कुछ लोग दारू पिला रहे हैं, कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जनता के बीच जाते हैं। कभी ये काम नहीं रहा 20 सालों में। चुनाव हम लोगों ने 43 वोट से पिछले चुनाव में हारा है, तो एक बात है कि हारी हुई सेनाएं युद्ध बढ़िया लड़ती हैं। हमने अपने कमजोरियों को ठीक किया है, जनता से तालमेल बिठाया है, उनके सुख दुख में 5 साल रहे हैं और लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार बदलाव है और हम लोग बदलाव करेंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, अपने हक अधिकारों के लिए। जो वंचित लोग हैं कार्ड से, जिनको राशन नहीं मिलता है, बहुत सारे अमीरों का नाम है, गरीबों को नहीं मिलता है, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे पंचायतों से लेकर जिले तक और उनको उनका हक दिलवाने का काम करेंगे। अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों से हम अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हमें सेवा का मौका दिया जाए। हम जब पंचायत के मुखिया बनेंगे तो दिन रात जनता के लिए जनप्रतिनिधि का घर खुला रहेगा, हम आपके हर सुख दुख में रहेंगे और आपका कोई भी कर्मचारी अधिकारी बात नहीं मानता है। हम वहाँ जाएंगे और आपके समस्याओं का निपटारा करेंगे, जनता के सच्चे प्रतिनिधि के बतौर हम रहेंगे। और हमने ये 10 सालों में एक बार हमारी पत्नी हाजरा खातून रही, एक बार हम रहे, हम लोगों ने ये काम किया है और जनता को हम लोगों के ऊपर भरोसा है। हमारे साथी सरपंच से भी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छेलाल कुशवाहा की पत्नी सुरसती देवी, संगीता देवी BDC हैं, अति पिछड़ी का सीट है, तमाम सीटों पर लोगों ने भरोसा किया कि आप लोगों ने 2006 में तमाम सीटों को जीता, 2011 तक परस्पर विकास था, सब लोगों की बातें सुनी जाती थी, इसलिए इस बार भी लोगों का भरोसा है। पंचायत वासियों से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए, अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाइए, हमें आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आप हमसे बात की इसके लिए अब BA, BCOM, BSc और MA, MCOM करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान।